हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस ऑफ लक में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस, आईटीबीपी की तरफ से एडमिट कार्ड ड्राइवर कोर्स का एडमिट कार्ड फाइनली रिलीज कर दिया गया है। तो गाइस देख सकते हो, फाइनली मेरा एडमिट कार्ड मैं आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हो, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यहाँ पर देख सकते हो एडमिट कार्ड फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द कॉन्स्टेबल ड्राइवर पोस्ट आया है। आप लोग को पता है दोस्तों, कॉन्स्टेबल ड्राइवर पोस्ट आया है, 450 पोस्ट आया है। आप लोग को पता है दोस्तों, बाद में मैं आप लोग को ये वीडियो के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा किस का ये वीडियो ये अप्लाई कब से कब तक हुआ है। तो गाइस देख सकते हो, फाइनली मेरा एडमिट कार्ड यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो फाइनली जिस जिस कैंडिडेट ने आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट ने अप्लाई किया है, वो आप लोग को एडमिट कार्ड फाइनली डाउनलोड कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गाइस, इसलिए आप लोग को वीडियो स्किप ना करें, आप लोग को एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले, और आने वाले वीडियो हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पर मेरा एग्जाम डेट 12 सितंबर 2023 है, और मेरा एग्जाम सेंटर की बात करें तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 6BN मतलब है बैटालियन का, 6 बैटालियन आईटीबीपी पुलिस कोठियन केम जलालपुर चपरा बिहार में, मेरा रिक्रूटमेंट सेंटर है, यहाँ पर देख सकते हो मेरा 12 सितंबर 2023 और रिपोर्टिंग टाइम है 6 AM है। तो गाइस यहाँ पर भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मैं आप लोग को और फीचर्स में आप लोग को बताता हूँ आप लोग को समझने के लिए। तो गाइस देख सकते हो, फाइनली मैं आप लोग को बताता हूँ, पहले यहाँ पर कौन सा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आईटीबीपी की तरफ से आया, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आया है दोस्तों 458 पोस्ट आया है। आप लोग को पता होगा दोस्तों, 458 पोस्ट में अगर अप्लाई किया तो आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पोस्ट नेम आया है कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट आया है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, आप लोग को पता होगा दोस्तों। तो जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो फाइनली आप लोग को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पोस्ट नहीं आया है कैटेगरी वाइज से देख सकते हो, UR के लिए 195, EWS के लिए 45, OBC के लिए 110, SC के लिए 74, ST के लिए 9 पोस्ट। तो चलो गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर आप लोग को एडमिट कार्ड तो मैंने बताया, मेरा एडमिट कार्ड मैंने फाइनली मैंने देखा चुका है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा गाइस, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो गाइस डायरेक्ट इस तरफ से आईटीबीपी वेबसाइट पर आप लोग को पूछ जाओगे। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों गाइस, सिंपली से आपका प्रोफाइल लॉग इन करना होगा गाइस। आपको पता है दोस्तों, जब आपने अप्लाई किया है आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है, अपने पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, वहां से आप लोग को क्या करना, लॉग इन करना दोस्तों। आपका प्रोफाइल ईमेल आईडी डाल देना, पासवर्ड डाल देना, उसका बाद ये कैप्चा इस पर आपको फिनिश से डाल देना, उसका बाद आप लोग को लॉगिन बटन पर क्लिक करके आपका प्रोफाइल लॉगिन कर लेना। उसका बाद अगर पासवर्ड गुम हो गया तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड बटन पर क्लिक करके नया पासवर्ड मांग सकते हो। तो गाइस आपको भी आपको हिसाब से लॉगिन कर लेना फटाफट से। तो चलो मैं लॉगिन करने के बाद इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को डैशबोर्ड शो हो जाएगा, यहाँ पर अपलोड बटन देने को यहाँ पर देने को मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, सिंपली से यहाँ पर देख सकते हो, जब आपने अप्लाई किया है यहाँ पर अप्लाई फॉर्म अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली से यहाँ पर आ जाना गाइस, देख सकते हो यहाँ पर माय एप्लीकेशन देख सकते हो गाइस, यहाँ पर माय एप्लीकेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना गाइस। जैसे माय एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से देने को मिलेगा। तो गाइस उसके बाद इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, यहाँ पर गाइस देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को अगर एप्लीकेशन फॉर्म जब अपने अप्लाई के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों देख सकते हो, आप लोग को पता है दोस्तों मैंने बताया था कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट आया है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली से एडमिट कार्ड बटन पर सिंपली से एडमिट कार्ड ऊपर क्लिक कर देना गाइस। जैसे एडमिट कार्ड ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से आप लोग को एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। तो गाइस उसके बाद इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, यहाँ पर भी गाइस देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनिंग स्टेटस यहाँ पर एक्सेप्टेड मेरा हो चुका है, यहाँ पर भी देख सकते हो सारे मेरा रोल नंबर मेरा पोस्ट नेम क्या क्या है यहाँ पर सब लोग देने को मिलेगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गाइस, यहाँ पर देख सकते हो इसमें क्या फीचर्स दिया गया, यहाँ पर देख सकते हो मेरा एडमिट कार्ड है यहाँ पर, ये इसके लिए आप लोग को PTN PST होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड एडमिट कार्ड, सिंपली से डाउनलोड ऊपर क्लिक कर देना गाइस। जैसे डाउनलोड ऊपर क्लिक करो तो गाइस इस तरफ से आप लोग को एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, आप लोग को ये थोड़ा वेट करना होगा दोस्तों, क्योंकि आईटीबीपी का वेबसाइट थोड़ा सा सर्वर हमेशा डाउन हो जाता है। तो गाइस देख सकते हो फाइनली लॉग इन हो चुका है आ चुका है। तो गाइस देख सकते हो फाइनली ये देख सकते हो मेरा आईटीबीपी का एडमिट कार्ड, मैं आप लोग को सारी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसमें मेरा
एग्जाम सेंटर का यहाँ पर देख सकते हो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स एडमिट कार्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट कांस्टेबल ड्राइवर आर्टिस्टमैन फॉर रिक्रूटमेंट इसमें बताया गया है। देख सकते हो मेरा फोटो यहाँ पर और मेरा और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँगा यहाँ पर मेरा देख सकते हो यहाँ पर मेरा एग्जाम डेट एंड रिक्रूटमेंट क्या है। मैंने पोस्ट ने मैंने ड्राइवर पोस्ट में मैंने अप्लाई किया है और मेरा रिक्रूटमेंट एड्रेस की बात करें तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरा रिक्रूटमेंट का एड्रेस बताता हूँ। 6BN का मतलब है 6 बटालियन ITBP पुलिस कोठियान एम जलालपुर छपरा बिहार में मेरा जलालपुर में मेरा कैम्प होता है। देख सकते यहाँ पर ITBP का 6BN बटालियन का कोठियान कैम्प में जलालपुर में छपरा बिहार में एक होता है कैम्प होता है वहाँ पे मेरा एग्जाम सेंटर है। और यहाँ पर मेरा डेट रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो गाइस 12 सितंबर 2023 है और 6 AM है मेरा रिपोर्टिंग टाइम है। और इसमें आप लोग को टेस्ट क्या क्या होगा गाइस टेस्ट होगा गाइस यहाँ पर देख सकते हो एडमिट कार्ड फॉर द PET and PST आप लोग को यहाँ पर आप लोग को PET and PST का सिर्फ आप लोग को होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आप लोग को क्या क्या साथ में डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा गाइस यहाँ पर आप लोग को कुछ भी डॉक्यूमेंट लेने लेके जाने से भी चलेगा। इसमें क्या क्या बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को ID प्रूफ लेके जाना होगा दोस्तों कि ID प्रूफ देख सकते हो इसमें ये एडमिट कार्ड तो आप लोग को लेके जाना कंपलसरी आप लोग को पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ये वोटर ID आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड जो भी एनी ID गवर्नमेंट के ID प्रूफ आप लोग को लेके जाना होगा गाइस। उसके बाद यहाँ पर और तो डॉक्यूमेंट तो ज़्यादा नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है सिर्फ आप लोग को ID प्रूफ लेने से भी और एडमिट कार्ड लेने से भी आप लोग को चलेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आप लोग को यहाँ पर और इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ना चाहते हो तो गाइस पढ़ सकते हो। तो गाइस जिस जिस कैंडिडेट ने ड्राइवर पोस्ट ने अप्लाई किया है तो डाउनलोड अपने एडमिट कार्ड प्रिंट करने के लिए सिंपली से देख सकते हो प्रिंट एडमिट कार्ड बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना गाइस। जैसे प्रिंट एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस जहाँ पे आपको सेव करना चाहते हो तो गाइस आपको सेव कर लेना। तो गाइस आपका एग्जाम डेट कहाँ पर है और एग्जाम डेट एंड टाइम कितना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा पूछते रहेगा। और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले और आने वाले वीडियो हर नोटिफिकेशन भी आप लोग को आपको मिलने के लिए क्या करना होगा दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑन करके रख लेना तो आने वाले वीडियो हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। तो चलो गाइस आपका एग्जाम देते हैं एग्जाम सेंटर कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो हम लोग कोशिश देखते हैं मिलते हैं और तो चलो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।